हुआ होता है, आप जैसे ही सोल को टैप करते हैं तो मे बी नॉर्मली भी सोया हो तो उठ जाता है, ठीक है, बस बुरा भला नहीं कह सकता, बाकी सब कुछ कहता है वो, ठीक है। तो आपने टैप किया तो पेशेंट अगर कॉन्शियस होगा या सोया हुआ होगा तो उठ जाएगा, ठीक है। नहीं आई तो अगला आपका क्या रिस्पॉन्स है, हेल्प हेल्प, आप अकेले हो तो आपने किसी को कॉल करना है हेल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला आपका क्या था, आपने कार्डिक एक्टिविटी देखनी थी कि आया वैसे ही डीप स्लीप में है या कि कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें आपने कार्डिक एक्टिविटी देखनी होती है ब्रेकियल में। तो ये आपका है आर्म, ये आपका एल्बो जॉइंट है बेबी का, ये उसका शोल्डर जॉइंट है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वहां मीडियल साइड पे आप ब्रेकियल, इसमें नेक शॉर्ट है ना, ये तो वैसे पेशेंट ऐसे नेक ऐसे होती है नॉर्मली बेबीज की शॉर्ट होती है, तो उसमें आपको ढूंढना मुश्किल है। तो इसमें आप क्या करते हैं, ब्रेकियल प्रोमिनेंट होती है, बिल्कुल साइड पे पड़ी हुई होती है, बेबीज लेटे भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, विद ओपन आर्म्स। तो ये आपने इसको यहाँ से दबाना है और कैलकुलेट करना शुरू कर देना, 1 1000 2 1000 व्हाइल लुकिंग ऑन द चेस्ट, 3 1000 4 1000 5 1000 6 1000 7 1000 आई एम गेटिंग नो पल्स एक्टिविटी, काइंडली एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड आस्क देम टू ब्रिंग AED, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसका CPR स्टार्ट, अब इसमें आप ऐसे तो कर नहीं सकते, ठीक है, वैसे ही बेचारा फारिग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने जब सिंगल रेस्क्यूअर है तो ये दो फिंगर्स, ठीक है, ये आपने चेस्ट के उसी तरह निपल्स के ड्रॉ करके लाइन उसे थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है, उसमें आप बिल्कुल निपल की लाइन के ऊपर रखते हैं, इसमें थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है, और इसको फिर कंप्रेशन देना शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कंप्रेशन हो गई। अब इसका मास है, ये छोटा टैंगू पड़ा होगा उसके साथ, ठीक है। तो इसमें आपने क्या है, 30 कंप्रेशंस विद 2 ब्रेथ्स, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से ही है कि आपने इसको किया और थोड़ा सा लिफ्ट करना है, इसमें ना बहुत ज्यादा आप एक्सटेंशन नहीं करते क्योंकि बच्चों की ज्यादा जैसे कहते हैं ना स्नीजिंग पोजीशन में लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा पीछे ले जाते हैं तो वो बंद हो जाता है ग्लॉटिस, ठीक है। तो इसमें आप रख के इसको थोड़ा सा फिर करेंगे, ठीक है, तो ये आ रही है, थोड़ी सी चेस्ट कंप्रेशन आएगी और आपने बिल्कुल 1 सेकंड के लिए देना है, बहुत ज्यादा डीप इंस्पिरेशन करके एक्सपायर नहीं करना, बच्चों में बैरोट्रॉमा हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आपने कर लिया, उसके बाद दोबारा फिर वही रिज्यूम करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो आपका इंटरवल है बीच में ब्रीदिंग देने का, उस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप कर रहे हैं इतनी देर में, इन द मीनवाइल हेल्प्स अराइव, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखना है कि जो आपके पास जब आप 2 रेस्क्यूअर्स हो गए हैं तो फिर आपकी कंप्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, उसमें फिर आप क्या कहते हैं, एक बंदा हेड एंड पे चला जाएगा एम्बू के साथ, ठीक है, और दूसरा बंदा आपके पास इधर आ जाएगा। तो ये आपका होता है इनसर्कलिंग टेक्निक, जिस तरह बच्चे को उठाते हैं ना, जब छोटे बच्चे को गोद में जिस तरह उठाते हैं आप लेके पीछे से, इसी तरह आप इसके अलॉन्ग द रिब्स जो है वो आप उसको इनसर्कल कर लेते हैं, ठीक है। इनसर्कल करके अब आप थम्स के साथ कंप्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब 2 रेस्क्यूअर्स आ गए हैं तो 15:2 हो जाती है, क्योंकि बच्चों में नॉर्मली सांस तेज चल रहा होता है और कार्डिक एक्टिविटी भी, उनमें टैकीकार्डिया 100+ नहीं 150+ काउंट करते हैं आप, और उनका जो ब्रीदिंग एक्टिविटी होती है वो 15-18 ब्रेथ पर मिनट होती है, बच्चों में 12-15 ब्रेथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या कहते हैं, जब 2 बंदे हो गए हैं तो फिर आप उसको स्पीड अप कर देते हैं काम को, अदरवाइज जब 1 था तो उस वक्त आप नहीं कर सकते थे कि आप बार बार ना, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इस तरह दें, क्योंकि इसमें आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, फिर हेड एंड पे जाके टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग 2 फिंगर मेथड और साथ में 30:2। जब आपके पास डबल होगी हेल्थ तो फिर आपने 15:2 पे लेना है, ठीक है जी। ये इसमें चाइल्ड का होगा जो इन्फेंट्स है, इसमें अगर मास्क नहीं है आपके पास, ठीक है, तो फिर इसमें बच्चों में क्या होता है कि माउथ टू माउथ एंड नोज ब्रीदिंग होती है, उसमें आप अपना जो लिप्स है वो इनसर्कल करते हैं इस एरिया में, ठीक है, ताकि आप वो उसको प्रॉपर पूरा रेस्पिरेशन दे सकें। अगर आपको लग रहा है कि यू आर अनकंफर्टेबल और वो नहीं आप इनसर्कल कर सकते तो फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दी जा सकती, ठीक है, चलो।